नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार सिंह। सूबे में कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार उसमें वृद्धि देखी जा रही है और जो है वर्तमान में सूबे में कोरोना संक्रमण का मामला जो है 21,000 के पार हो गया है। विगत 24 घंटे में 568 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं विगत 24 घंटे में बिहार राज्य में किए गए जो कुल जाँच की संख्या है वो 10,245 है। अब तक बिहार राज्य में किए गए कुल जाँच जो है वो 347,457 है। आप देख सकते हैं यह भागलपुर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, और जो है शहर में भी, भागलपुर शहर में भी कोरोना संक्रमण के मामले जो है लगातार उसमें वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन जो है एक अहम पहल की है। आप देख सकते हैं ये जो है 11 ट्रेन का डिब्बे जो है 11 डिब्बे को जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिस तरह से भागलपुर शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बीते दिनों जो है भागलपुर शहर में जिला में रिकॉर्ड 125 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जो है जिला प्रशासन ने एक अहम पहल करते हुए, आप देख सकते हैं ये जो है भागलपुर रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा है, और जो है ये ट्रेन के डिब्बे जो हैं 11 डिब्बे को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। हम आपको बता दें कि इस आइसोलेशन वार्ड जो है डिब्बे के अंदर जो है कोरोना मरीजों को जो है आइसोलेट किया जाएगा। अगर जो शहर की हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो ऐसे जो है डब्बे में, जो है ट्रेन के डब्बे जिसको कि आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है, इसके अंदर जो है हम आपको बता दें कि बिजली, पानी और ख़ासकर जो है मरीजों के लिए मूलभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसमें जो है ख़ासकर जो है छोटे डस्टबिन के बहुत सारे डब्बे हैं, और उस बिजली है, पंखा है और पानी है, और ख़ासकर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है तैयारी की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और जो है 11 डब्बे तो जो है रेलवे स्टेशन पर हैं, और यार्ड में भी 11 डिब्बे का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वो वार्ड में भी है। अगर शहर की हालात जो है ज़्यादा बिगड़ते हैं तो ये आइसोलेशन जो है आइसोलेशन वार्ड में जो तब्दील किए गए ट्रेन के डब्बे हैं ये पहले से पूर्व में ही तैयारी की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस डब्बे के अंदर रिपोर्टिंग से पहले मैं इस डब्बे के अंदर गया था और मैंने देखा था कि इस डब्बे के अंदर जो है सभी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, बिजली, पानी, पंखे, और ख़ासकर एक मरीज से दूसरे मरीज जो है आपस में संपर्क नहीं कर सके, इसको लेकर एक जो है प्लास्टिक की सीट लगाई गई है, और उस सीट को जो है बहुत पैमाने तक जो है हद तक नीचे से सिर से लेकर फर्श तक जो है कवर किया गया है, ताकि एक मरीज दूसरे मरीज के संपर्क में ना आ सके। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। पूर्व में की गई जो ये तैयारी है जिला प्रशासन की, ये बहुत ही अच्छी तैयारी है, और इससे जो है शहर के हालात, अगर ज़्यादा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि शहर के हालात ज़्यादा बेकाबू हो, लेकिन अगर हालात बेकाबू होते हैं तो इस तरह की जो पूर्व में की गई तैयारी है ये बहुत ही अच्छी पहल है।